अस्सलामुअलैकुम। पॉपुलर न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबिया रफीक। यहाँ हम आपको दिखाएंगे ताज़ा तरीन नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स क्राइम और शोबिस की खबरें। बढ़ते हैं हेडलाइंस की तरफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर मसलाए कश्मीर पर सालसी की पेशकश। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इमरान खान से मुलाकात बहुत अच्छी रही। सालसी का दारोमदार भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर है। इमरान खान और मोदी मसलाए कश्मीर पर बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तहरीके अदम एतमाद की नाकामी, अपोजिशन रहनुमाओं के होश उड़ गए। शहबाज शरीफ ने लीगी सेनेटर्स का इजलास आज बुला लिया। कहते हैं 14 वोट अमीर तरीन की चमक ले गए, जमीर फरोशों का पता चलाएंगे। उधर पीपल्स पार्टी का भी तहकीकात का फैसला, बिलावल भुट्टो बोले, सेनेट में जमहूरियत का जनाजा निकला, खुफिया बेल्ट का फायदा उठाकर वोट तब्दील कराए गए। पसरू डॉक्टर तारिक फारूक को एमएस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तैनात कर दिया गया। सीईओ हेल्थ सियाल को डॉक्टर तारिक खालिद महमूद ने नोटिफिकेशन जारी किया। मियांवाली रुकन कौमी असेंबली और चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा अमजद अली खान की खसूसी ग्रांट पर मियांवाली वांडी में सुई गैस की फ्राहमी का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में पीटीआई काउंसलर, वर्कर्स और अहले इलाका ने शिरकत की। न्यूज रूम से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज़।